हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। ओके, तो आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और ठीक से रह रहे होंगे और बहुत सारे प्रेयर्स और मेडिटेशन कर रहे होंगे। ओके, सो थर्ड पार्टी वीडियो का डिमांड आया था तो मैंने सोचा यही बना देती हूँ। सो थर्ड पार्टी आपके सिचुएशन में कोई भी हो सकता है, उनका करियर, उनकी फैमिली, उनके फ्रेंड्स, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड, करंट गर्लफ्रेंड, करंट बॉयफ्रेंड, एनीवन। ओके, के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चीज़ें चल रही हैं, इस पर हमारी रीडिंग होगी। यहाँ पे दो पाइल्स रखे हैं, सबसे पहला पाइल है ग्रीन पाइल, दूसरा पाइल है ऑरेंज पाइल। आपको इन दोनों पाइल्स में से किसी एक पाइल को सिलेक्ट करना है। ये एक जनरल रीडिंग होगी, तो जनरल रीडिंग आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, तो ज़्यादा वरी ना करें, टेंशन ना लें। ओके, अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो जिसमें मैं आपकी पर्सनल एनर्जीज और आपके पार्टनर की एनर्जीज को रीड करके आपको चीज़ें बताऊंगी, तो ऑफकोर्स आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप का नंबर आपके स्क्रीन पे है। और अगर आप मुझे ईमेल आईडी से ईमेल करना चाहते हो तो ईमेल एड्रेस मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, कंट्री कोड भी मैंने सामने दे रखा है। तो अभी मैं आपको टाइम देती हूँ, आप ग्रीन पाइल या फिर ऑरेंज पाइल में से किसी एक पाइल को सिलेक्ट कीजिए, फिर मैं उसकी रीडिंग करूँगी और तब आप उस रीडिंग को सुनिएगा। आपको जो भी पाइल्स ज़्यादा कॉल करती हैं उसी पाइल के साथ आप जाएंगे, उसी पाइल को आप सिलेक्ट करेंगे। बिल्कुल शांति से पाइल सिलेक्ट करें, बिकॉज पाइल सिलेक्ट करना ही सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है पिकर कार्ड रीडिंग का। तो अभी मैं आपको टाइम दे रही हूँ, अपना पाइल सिलेक्ट करें प्लीज़। ओके, सो आई होप आपने अपनी पाइल सेलेक्ट कर ली होगी। तो सबसे पहले रीडिंग करूँगी ग्रीन पाइल की और फिर ऑरेंज पाइल की। तो ऑरेंज पाइल को हम लोग हटा देते हैं, देखते हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या नहीं। ओके, सो बेसिकली सबसे पहले तो मैं बता रही हूँ कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी में जो थर्ड पार्टी है, ओके, वो काफ़ी सेल्फ ओरिएंटेड, अपने ऊपर ध्यान देने वाला पर्सन, अपनी चीज़ों पे ध्यान देने वाला, बहुत ज़्यादा इमोशनल ना हो करके इस चीज़ को इंजॉय करने वाला पर्सन है कि उनकी सारी चीज़ें फुलफिल हो रही हों, उनके सारे विशेस पूरे हो रहे हों। ओके, तो कोई इस टाइप का पर्सन है जो कि काफ़ी पोजिशन या काफ़ी पावरफुल टाइप के लोग हो सकते हैं, इनकी फैमिली काफ़ी पावरफुल हो सकती है, वेल्थ काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है। बहुत सारे लोगों के केस में ये जो थर्ड पार्टी है वो उनके फैमिलीज भी हो सकते हैं आपके पार्टनर के। ओके, आपके पार्टनर की फैमिली उन्हें थोड़ा इफ़ेक्ट करने की कोशिश कर रही होगी, लाइकवाइज उनकी मॉम, उनकी बड़ी सिस्टर या मौसी, इस टाइप का कोई पर्सन हो सकता है जो कि काफ़ी एज हो जिसकी, ओके, जो कि थोड़ी बड़ी हो और एक पोजिशन, एक अथॉरिटी होल्ड करती हूँ घर में। ओके, तो इस टाइप का कोई पर्सन हो सकता है। नाउ ये थर्ड पार्टी सिचुएशन वाले सीन के वजह से आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा सफ़र करा है। आपका जो रिलेशनशिप था जो काफ़ी हैप्पी हुआ करता था, अब ये रिलेशनशिप कुछ भी हो सकता है, बस एक रिलेशनशिप हो सकता है, आपकी मैरिज हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग। ओके, तो वो बहुत ज़्यादा सफ़र करा है। पहले आप लोग जितने खुश रहते थे, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से चीज़ें काफ़ी अपसाइड डाउन हुई हैं। और थर्ड पार्टी जो है वो एक्चुअली आपका जो पास्ट थर्ड पार्टी सिचुएशन के आने के पहले का जो सिचुएशन था वो काफ़ी अच्छा था, बट ये पर्सन ने, थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को, देखिए आपके पार्टनर को ज़्यादा, मतलब एक कहते हैं ना, इनर खुद पे फोकस करने वाला बना दिया है। ओके, खुद पे चीज़ें देखने वाला बना दिया है। ओके,
ये थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर, थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को काफ़ी कंफ्यूज भी करके रखा है। एक काफ़ी एग्रेसिव, काफ़ी एक ऐसा पर्सन जो काफ़ी चतुर चालाक होता है, उस टाइप के पर्सन हैं आपके थर्ड पार्टी। तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम तो होगी ही, बिकॉज़ आपके पार्टनर को ऐसी चीज़ें बोली गई हैं, ऐसी चीज़ें उनके माइंड में हैं जो आपके लिए उनको नेगेटिव करती हैं। और कहीं ना कहीं ये चीज़ में ऐसा हो रहा है कि आप इसे कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं, ओके, या कर पा रहे हैं। ये फैमिली की भी लेडी होने के काफ़ी चांसेस हैं, ओके, एंड फैमिली के भी लोग हो सकते हैं। नाउ आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चीज़ें चल रही हैं? तो अगर आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में चीज़ें देखी जाएं, तो सी थर्ड पार्टी की कैसी एनर्जी है ये तो मैंने आपको बता दिया, बट थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की बातें सुन नहीं रही हैं या सुन नहीं रहे हैं, ओके। जैसे सपोज फैमिली हो गई, तो फैमिली अगर आपके केस में थर्ड पार्टी है, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थर्ड पार्टी है, तो वो लोग आपके पार्टनर की बात नहीं सुन रहे हैं, रादर अपने बात को सुनाना चाहते हैं। उनको बोलते होंगे कि नहीं, तुम अपने अकॉर्डिंग नहीं, हमारे अकॉर्डिंग करो चीज़ें, ओके। और ये चीज़ आपके पार्टनर को काफ़ी फ्रस्ट्रेट कर सकती है, क्योंकि ऑलरेडी एक रिलेशनशिप उन्होंने ख़राब कर लिया थर्ड पार्टी के वजह से। अब ये दूसरा चीज़ जो उन्होंने थर्ड पार्टी पे रिलाई किया होगा कि एटलीस्ट ये पर्सन मुझे सपोर्ट करे, तो वो भी सपोर्ट उनको नहीं मिल रहा है, तो आपके पार्टनर काफ़ी दुखी हो सकते हैं इस चीज़ में। और ये नेगेटिविटी आपको सामने सामने से देखने को मिल जाएगी, आपके पार्टनर के फ्रस्ट्रेशन में, अननेसेसरी एग्रेशन में, नेगेटिव बोलने में, थोड़ा शांति और अलग अलग से रहने में, किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करने से, इन सारी चीज़ों से आपको पता चल जाएगा कि आपके पार्टनर अभी हैप्पी फील नहीं कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि थर्ड पार्टी और उनके बीच में चीज़ें जो हैं वो अच्छी नहीं चल रही हैं, बिकॉज आपके पार्टनर के अंदर भी कुछ इमोशंस हैं जो वो निकालना चाहते हैं, मगर थर्ड पार्टी ने ये परमिशन उन्हें नहीं दी है कि वो अपनी चीज़ें भी एक्सप्रेस कर सकें, ओके। ऐसे भी आपके पार्टनर जिस सिचुएशन में फंसे हैं, थर्ड पार्टी अगर इनकी बात कोई सी सुनती भी है तो काफ़ी, मतलब सुनने के लिए सुनेंगी या सुनेंगे, बट उसमें कुछ फॉलो अप नहीं करेंगे, ओके। दूसरी चीज़ है स्ट्रेस जो आपको नज़र आ रहा है, जो आपका फॉल आउट कार्ड है। तो काफ़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन होगा थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में, क्योंकि एग्रीमेंट्स नहीं है चीज़ों को लेकर के, ओके। वो पर्सन काफ़ी हैप्पी, वो लकी हुआ करता था, हमेशा खुश हुआ करता था, आपने वो खुशी इंजॉय भी की है अपने पार्टनर के साथ। अब वो सेलिब्रेशन, अब वो हैप्पीनेस सब स्ट्रेस में बदलता जा रहा है, और इन्हें लगा था कि ये अगर ऐसा थर्ड पार्टी की बातें मानेंगे तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, बट समवेयर चीज़ें ख़राब हो गई। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के बीच में चीज़ें ख़राब की गई, बट अब भी ऐसा है कि कमिंग टाइम ये जो आपके पार्टनर हैं ये बहुत रिग्रेट कर रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया, ओके, क्यों उन्होंने थर्ड पार्टी की सारी बातें मानी। मगर अगर ये आपके पास आके कनेक्ट करना चाहेंगे, तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इनके माइंड में फिर से कन्फ्यूजन को फिलअप कर देगा या देगी कि नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, दिस इज़ नॉट राइट, तुम ये चीज़ गलत कर रहे हो या गलत कर रही हो, समथिंग लाइक दैट, ओके। तो आपको काफ़ी इमोशनली आपके पार्टनर से दूर रखने की कोशिश की जाएगी। अगर आप मिलना भी चाहो तो नहीं मिलेंगे, अगर आप फैमिली में हो तो फैमिली और आपके काफ़ी डिसएग्रीमेंट्स होंगे, और एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाएगा आपके पार्टनर के लिए भी और आपके लिए भी। बट थर्ड पार्टी को ज़्यादा आपको स्ट्रेस नज़र नहीं आएगा, थर्ड पार्टी मैक्स टू मैक्स एक फेस बना सकता है कि हाँ वो काफ़ी इमोशनली वीक फील कर रहे हैं, बट वो चीज़ भी आपको पता चल जाएगी देखने से ही कि वो इमोशनली कुछ वीक फील नहीं कर रहे हैं, वो बस अपनी बात मनवाने के लिए ये सारे स्टंट्स थ्रो कर रहे हैं आपके पार्टनर के ऊपर, ओके। तो मुझे जो सिचुएशन आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में नज़र आ रही है वो काफ़ी अमेजिंग नहीं है, अच्छी नहीं है। एंड समवेयर आपके पार्टनर अब चीज़ों को हैंडल नहीं करना चाहते हैं, ही वॉन्ट्स टू कम आउट ऑफ दिस होल सिचुएशन, ओके, ये पूरे सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ पहले जैसे पॉजिटिव हुआ करती थी, पहले जैसे रनिंग हुआ करती थी, अच्छी हुआ करती थी, इनका एक रिस्पेक्ट था, वो सारी चीज़ें इन्हें कहीं ना कहीं वापस मिल जाएं। नाउ योर पार्टनर इज़ ऑल्सो, मतलब आपके पार्टनर थोड़े लिबरल किस्म के इंसान हैं,
हाँ वो एट टाइम्स स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, बट बेसिक नेचर उनका थोड़ा लिबरल टाइप का है, उसके वजह से भी उन्हें थोड़ा दाएं बाएं करने में ये थर्ड पार्टी सक्सेसफुल रही, ओके या सक्सेसफुल रहे, बट अभी के सिचुएशन में उनके लाइफ की हैप्पीनेस सारी खत्म हो गई है और वो इस सिचुएशन से मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे, मतलब थर्ड पार्टी को कन्फ्रंट भी नहीं कर पा रहे, रादर थर्ड पार्टी को कन्फ्रंट करने की जगह वो खुद ही आइसोलेशन में खुद ही थोड़ा अकेले अकेले रहना शुरू कर चुके हैं, चुपचाप से रहते हैं, ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रखते हैं, ऐसा सा सिचुएशन हो गया है। ओके अभी इनको एक्चुअली अपने माइंड को फिर से करेक्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, अगर ये अपने माइंड को या अपने स्टेटस को फिर से कंट्रोल नहीं करते हैं तो थर्ड पार्टी इनका स्टेटस भी इनसे छीन लेगी, इनका बेनिफिशियल इस्तेमाल करेंगी, लाइक मनी, लाइक पोजिशन, लाइक पावर, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और अगर आप मना भी करोगे तो आपके पार्टनर आपकी बात नहीं सुनने वाले हैं, ऑलरेडी वो स्ट्रेस में हैं, वो आपकी बात नहीं सुनने वाले हैं, वो आपसे भी कम ही बात करेंगे। तो ये सिचुएशन चल रहा है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में, जिसमें कि चीज़ें काफ़ी ख़राब हैं, अच्छी तो बिल्कुल भी नहीं है, ओके सिचुएशंस बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ये चीज़ है, अभी आपके पार्टनर को ज़रूरी है कि वो इन सारे सिचुएशंस से बचने के लिए थोड़ा अपने माइंड को रिलैक्स करें, अपने दोस्तों के साथ घूमें फिरें, मज़ा करें, ओके और इस सिचुएशंस को फिर डील करने की कोशिश करें, क्योंकि जितने स्ट्रेस में वो हैं, अगर उसी स्ट्रेस में ये पर्सन रहता है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपके पार्टनर का हो सकता है कि उनके फादर के साथ या उनके फादर इन लॉ के साथ सिचुएशंस काफ़ी अच्छे ना हों, ओके या अगर आप मैरिड नहीं हो तो वो आपके फैमिली को उतना ज़्यादा पसंद ना करते हो, स्पेशली आपके फादर को, ओके तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि आप अपने फादर की या उनके फादर की ज़्यादा हेल्प लेने की कोशिश ना करें, ओके तो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशंस है, ग्रीन पाइल मैंने आपको बता दी है, चीज़ें बहुत ख़राब हैं, सेल्फ सेंटर्ड थर्ड पार्टी है, और हो ना हो ये सिचुएशन आपके और आपके पार्टनर के लिए थोड़े समय के बाद पॉजिटिविटी लेकर के आएगा, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बट हाँ चीज़ें करेक्ट हो जाएंगी, और जब तक वेट करना पड़ेगा ये वेट काफ़ी मुश्किल और काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, बट डोंट वरी, अगर आगे जाके चीज़ें करेक्ट हो जाएं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है। तो आप अपने रिलेशनशिप में रहें, उससे हटें ना, और कोशिश करें कि आप लोगों के बीच में चीज़ें थोड़ी करेक्ट हो जाएं, क्योंकि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में अभी चीज़ें बिल्कुल भी करेक्ट नहीं हैं, और जैसे जैसे समय निकलेगा आपके पार्टनर को रियलाइज़ भी होगा कि थर्ड पार्टी का रियल फेस क्या है। अभी तक थर्ड पार्टी ने अपने रियल फेस को आपके पार्टनर से छुपा के रखा था, तो वो चीज़ भी उनको धीरे धीरे पता चलने लग जाएगी कि ये पर्सन काफ़ी अपने बारे में सोचने वाला पर्सन है, मेरे बारे में नहीं, ओके तो ग्रीन पाई पीपल मैंने आपकी रीडिंग कंप्लीट कर दी है। जाने से पहले नमस्कार, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन ज़रूर प्रेस कर दें, सो दैट मैं कोई भी नया वीडियो लेकर के आऊँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन चला जाए, और अगर आपने ऐसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नंबर आपके स्क्रीन पे है। नेक्स्ट हम अपने जाएंगे ऑरेंज पाइल पे, तो देखते हैं कि ऑरेंज पाइल वाले चीज़ों के लिए क्या आती है। नमस्कार ऑरेंज पाइल पीपल, तो लेट मी सी आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चीज़ें चल रही हैं। ओके तो ऑफ कोर्स आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में सी अभी ऐसा सच अगर कहा जाए तो थोड़ा कनेक्शन ठीक ठीक है, मतलब अच्छे से बातें बातें हो रही होंगी। थर्ड पार्टी काफ़ी प्रिकॉशन ले ले के आपके पार्टनर से बात कर रहे हैं या कर रही हैं, बिकॉज पास्ट में ऐसा कुछ हुआ था आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में जहाँ पे डिसएग्रीमेंट्स हुए थे और आपके पार्टनर उनकी या किसी की भी बात सुनने को रेडी नहीं थे, तो ये चीज़ थर्ड पार्टी को काफ़ी कंफ्यूज करी होगी कि आफ्टर ऑल ये पर्सन कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है। तो बहुत प्रिकॉशन ले ले करके थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है, कि इनको कोई बात बुरी ना लग जाए या समथिंग लाइक दैट, समथिंग इस टाइप का कुछ सिचुएशन है, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा है कि आपके पार्टनर बात कर क्यों नहीं रहे हैं। तो आपके पार्टनर का क्या है कि उनका
मूड बहुत चेंज हो रहा है, मूड बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, बहुत सारे टाइप के लोग हैं आपके पार्टनर के अराउंड और बहुत सारे टाइप के लोग बहुत अलग अलग चीज़ें बोल रहे हैं आपके पार्टनर को, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर काफ़ी कंफ्यूज हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और उसी की वजह से वो उतना ज़्यादा भी रिलेशनशिप्स पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर कोई उनको सामने से अपने साथ बुलाएगा बात करने को या समथिंग लाइक दैट तो वो जाएंगे, अगर कोई नहीं बुलाएगा तो वो सेल्फ एफर्ट ले करके कोई ऐसी बात करने की कोशिश नहीं करेंगे। ओके दूसरा जो सिचुएशन है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में, मैंने बोला कि हाँ थोड़े सिचुएशंस अच्छे हैं, थर्ड पार्टी अपने साइड से आपके पार्टनर को अंडरस्टैंड और लव और केयर और कंसर्न देने की कोशिश कर रही हैं। नाउ सी दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, हो सकता है कि आपके साथ बिल्कुल भी ना रेजोनेट करे, और प्लीज़ आप ये ना बोले कि मैम आपने ऐसा क्यों कहा कि थर्ड पार्टी के साथ सिचुएशंस अच्छे हैं। मैं नहीं कह रही हूँ, जो कार्ड्स कह रहे हैं वो मैंने आपको बताया है, एंड आई होप फिंगर क्रॉस्ड कि ये एक जनरल रीडिंग है, चीज़ें अगर आपसे ना रेजोनेट हो तो बेहतर है, बट हाँ थोड़ा सिचुएशन अच्छा सा है। हो सकता है ये थर्ड पार्टी के साथ मैरिज का भी प्लान कर रहे हों, या अपने फैमिली या थर्ड पार्टी इनकी फैमिली के थ्रू अप्रूव कोई पर्सन हो, लड़का हो या लड़की हो, ऐसा सा भी एक सिचुएशन बनता है, क्योंकि फैमिली इन्वॉल्वमेंट मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, अरेंज मैरिज का सेटअप मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। बट समवेयर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर इस चीज़ में पूरे तरीके, देखिए थर्ड पार्टी तो पूरे तरीके से आपके पार्टनर के पीछे फिदा है, ओके, बट आपके पार्टनर अभी भी इस चीज़ में पूरे तरीके से नहीं हैं। उनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं वे बाई कि उनको ऐसा लगता है कि वो किसी नेगेटिव पर्सन के साथ ना पड़ जाए। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को लेके काफ़ी प्रिकॉशियस हैं, ओके, ऐसा नहीं है कि वो एकदम ऐसे सोचते हैं कि हाँ चलो ये पर्सन बहुत अच्छा है या समथिंग, वो अपना टाइम लेंगे थर्ड पार्टी को भी एनालाइज करने में, ओके, पूरी चीज़ों को एनालाइज करने में, देखने में, सोचने में, समझने में, ओके, हो सकता है कि थर्ड पार्टी बहुत प्यारा सा फेस बना के बैठी हो या दिखा रही हो, मगर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बिहाइंड द बैक की जो नेगेटिविटी है उसको कैच कर लेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं कैच कर पाएंगे, बिकॉज आपके पार्टनर काफ़ी तेज हैं लोगों के वाइब्स को पकड़ने में, ओके। ये रिलेशनशिप जो है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का, इसमें फैमिली इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो हो सकता है कि फैमिली के वजह से, या तो थर्ड पार्टी के फैमिली के वजह से या उनके खुद के फैमिली के वजह से उन्हें इस रिश्ते के लिए हाँ करना पड़े, बट वो उसके लिए टाइम लेंगे, ओके, ऐसा नहीं है कि ये तुरंत हाँ कर देंगे। और अगर आपके पार्टनर एक बार नेगेटिव हो गए इस पर्सन को लेकर के, तो शायद ये हाँ भी ना करें, ओके, ये हाँ ही ना बोलें, क्योंकि आपके पार्टनर में मैच्योरिटी है, बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी है, उनको पता है कि उनको अपने डिसीजंस कैसे लेने हैं कैसे नहीं लेने हैं, ओके, और इसी वजह से वो टाइम ले रहे हैं, वरना प्रेशर में आकर के वो अभी तक चीज़ों को हाँ कर चुके होते। द फूल एंड द क्रिएटर, तो जो बात है कि आपके थर्ड पार्टी ने पूरी जी जान से मेहनत लगा दी है आपके पार्टनर को पाने के लिए, बट समवेयर वो ये नहीं समझ पा रही हैं कि ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, जिसमें कि उनको बैठ के सोचना चाहिए, और अगर वो नहीं सोचेंगे या नहीं सोचेंगे तो समवेयर उनका फॉल वो खुद ही डिसाइड करेंगे, ओके। दूसरी बात है द क्रिएटर, उनको थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि वो इस रिलेशनशिप को क्रिएट करने में सक्सेसफुल रहेंगी या रहेंगे, मगर जहाँ तक मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी नज़र आ रही है, वो पर्सन आपके पार्टनर खुद अपनी डेस्टिनी लिखने वाले लोगों में से हैं, तो उनको कोई इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। हाँ फैमिली का एफिलिएशन है तो फैमिली के प्रति झुकाव होगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, फैमिली के साइड पे चीज़ें रहेंगी कि फैमिली वाले अगर कुछ बोल रहे हैं तो वो सुनना चाहेंगे, बट फैमिली के साइड बाय साइड इनकी अपनी भी एक मर्ज़ी है। तो अगर आप देखते हो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चीज़ें चल रही हैं, तो ऑफ कोर्स थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को थोड़ा
लव केयर कंसर्न सपोर्ट देना चाहते हैं और पूरा लव लव टाइप का फील कराना चाहते हैं, बट कहीं आपके पार्टनर जिस चीज़ के लिए रेडी नहीं है और वो अभी एक न्यू रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते हैं बिकॉज समवेयर, हाँ थोड़ा कनेक्ट तो कर रहे हैं, बात बात कर रहे होंगे थोड़ी, बट समवेयर वो अभी भी आपके वाले रिलेशनशिप की एनर्जी से नहीं निकले हैं और वो अभी भी इस पर्सन को काफ़ी एनालाइज कर रहे हैं और जिस टाइप के कार्ड्स हैं उस टाइप के कार्ड्स के अकॉर्डिंग अगर एनालिसिस पॉजिटिव नहीं निकला तो आपके पार्टनर इस पर्सन के साथ रहने के लिए सामने सामने से रिफ्यूज़ कर देंगे। ओके, तो ये रीडिंग आई है ऑरेंज पाइल पीपल के लिए। ऑरेंज पाइल पीपल, आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी और मैं आपको दो चार और चीज़ें बताना चाहती हूँ, तो जस्ट दो सेकेंड प्लीज़ रुकें। ओके, सो ये आपका फॉलोआउट कार्ड है। सो सी, मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर आपके पार्टनर श्योर नहीं होंगे बिकॉज आपके पार्टनर अभी एक कमिटेड रिलेशनशिप को लुक फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं, तो जब तक आपके पार्टनर अपने स्वेच्छा और अपने मन से श्योर नहीं हो जाते हैं तब तक ये इस पर्सन के साथ नहीं रहेंगे। बहुत सारे कपल्स होंगे जो डिवोर्स वगैरह के लिए फाइल करके चल रहे होंगे, तो अभी डिवोर्स में भी काफ़ी समय लगेगा, टाइम लगेगा। ओके, अभी है थोड़ा टाइम, बट हाँ एक चीज़ है कि मीनवाइल आपके पार्टनर डिवोर्स को लेकर के भी, क्योंकि आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर अभी भी रन कर रही है, आप दोनों के रिलेशनशिप की एनर्जी, तो कहीं ना कहीं वो आपके वाले प्यार से बाहर नहीं निकल पा रहे। ओके, तो ये रीडिंग कंप्लीट कर दी है मैंने ऑरेंज पाइल पीपल के लिए। तो ऑरेंज पाइल पीपल, जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझे कॉन्टैक्ट करें। बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर।